ये जो कल भी मीटिंग होगी और जिसमें तीन मुद्दे अहम होंगे जो चार तारीख वाली मीटिंग में होगी, जो हमारे डेलीगेट्स जो जाएंगे वो करेंगे, पहला होगा जो तीन कानून हैं उनको वापसी लेने की बात करेंगे, जो रिफ्यूज होगी उस पर बात होगी। दूसरा MSP पर होगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कानून बने ये बात होगी। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू होते इसमें ये बात होगी। तीन चीज़ों पर बातचीत होगी और करीब 40 दिन कल धरने को हो जाएंगे, जो यहाँ पे दिल्ली के चारों तरफ कई लाख किसान दिल्ली के चारों तरफ को इकट्ठे हुए हैं। सरकार ने बहुत बात करी, जब ये आए तो इनको पंजाब के किसान बताया, फिर आए तो हरियाणा पंजाब के बताया, फिर आए तो सिखों का आंदोलन बताया, फिर बढ़े तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग जुड़ गए उसको बताया, फिर इनको धान और गेहूं का किसान बताया, फिर और नहीं बात बनी तो इनको खालिस्तान का किसान बताया, खालिस्तान समर्थक बताया, फिर पाकिस्तान समर्थक बताया, फिर बाहर से फंडिंग बताई, तो बहुत एलिगेशन सरकारों ने लगाई, फिर इसको छोटा बड़ा किसान बताया, फिर इसको पूरा देश का किसान नहीं जुड़ा फिर वो बताया। शहादत, 60 लोगों की शहादत होगी अब तक, 60 लोग यहाँ पे आंदोलन में शहीद हुए हैं। भारत सरकार ने एक शब्द भी उन किसान परिवारों के लिए नहीं कहा, उनकी शहादत में कुछ नहीं कहा, किसान यहाँ पे बारिश सर्दी में बैठा हुआ है उसके लिए कुछ नहीं कहा, मलाई महिलाएं बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं उनके लिए कुछ नहीं कहा। तो इस तरह की संवेदनहीन सरकार नहीं देखी कभी। आज भी सरकार बात करती है दो फसलों के किसानों की बात करती है। हमने ये कहा है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, ये नारा आज देश के किसानों ने लगा दिया है और किसानों ने अपने इन आंदोलन को, इन इशू को अपने दिल से जोड़ लिया है। सरकार इनके साथ में इस तरह से खिलवाड़ मत कर, सरकार अपना ठीक रवैया करे, नहीं तो ये किसान घर वापसी नहीं जाएगा। जिस हिसाब से सुसाइड हो रहा है, जिस हिसाब से लोगों की डेथ हो रही है, ये होती रहेगी, किसान घर वापसी नहीं करेगा। सरकार जितना जल्दी इस पर फैसला ले सकता है उतना ही उसके लिए ठीक होगा। राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त मोर्चा जो किसान संगठन है उनकी तरफ से ये बयान जारी कर रहे हैं। वो सभी जो नौजवान हैं, जिस हिसाब से नौजवान आज खेती किसानी के काम में उभर कर लगा है, तो वो इस आंदोलन को वापसी करवाए बगैर नहीं जाएगा। खैर जी, अगर एक बात पूछूं, ये बार बार हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसान नहीं है जी, और हम इनको बहुत सारी इनकी मांगे मांग रहे हैं, अमेंडमेंट्स कर देते हैं, क्या हम लोग शोध करवाने के लिए आए हैं कि हम इनको रिपील करवा कर वापस जाएंगे? पूरा रिफील करवाएंगे, पूरे वापसी होंगे। संशोधन की सिर्फ सरकार की तरफ से पहले एक भी देश में किसान संगठन हो, किसान नेता हो, किसान हो, देश की महिलाएं हो, बच्चे हो, पूरे कानून वापसी होंगे, यही देश के किसानों की आवाज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये आज हमारे NRIs भाई कनाडा से, UK से, हर जगह से आए थे और इन्होंने ये बात इन्हों तक पहुंची थी कि यहाँ पे बारिश की वजह से तरपालों की कमी है, और आज हम टिकैत जी के पास आए हैं ये भाइयों के सपोर्ट के साथ, और इन्होंने यहाँ पे जो तरपालें तकरीबन 200 यहाँ पे छोड़कर जा रहे हैं। अगर किसी को भी कोई भी ज़रूरत हो तो टिकैत जी या इनके जो यूनियन है उनके साथ संपर्क करके इनसे ले सकते हैं। और टिकैत जी, और भी कोई भी नहीं, किसी कोई, भी तरह की इनकी तरफ से कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो बताएंगे। हमको जब सुबह बारिश हुई तो तिरपाल की ज़रूरत थी और हमने वीडियो डाल के ये कहा था कि जो भी किसान गांव से आए वो तिरपाल, पन्नी, लकड़ी, गोशा, ओले का जरूर यहाँ पावे। अनाज की ज़रूरत नहीं है, आटे की ज़रूरत नहीं है, वे चीज़ें यहाँ पर बहुत पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है। आलू हमारे पास अभी है और जो चीज़ें हैं वो हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत होती रहेगी वो चीज़ें बताते रहेंगे। वेस्ट में वैसा सामान यहाँ अभी ना जाए, वो सामान हमारे पास में बहुत है। अभी तिरपाल की ज़रूरत थी, तिरपाल 200 तिरपाल यहाँ पर धरने पर आई है, और ज़रूरत होगी तो और भी हम आपको बताएंगे। ये हमारे किसान एकता मोर्चा के ज़रिए लोग जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह की कोई भी किसी भी तरह की व्यवस्था और कोई भी ज़रूरत हो तो आप इन बता सकते हैं, कल तक परसों तक यहाँ पे पहुँच जाए। ठीक है, धन्यवाद।